6 वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों आज मैं आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रेलवे स्टेशन पूरा विजिट कराने वाला हूं और इसके नियर में क्या क्या है ये सब मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूं। यहां पर चलाई जाने वाली नगर निगम की चलो बस पर भी मैंने एक ब्लॉग बनाया दोस्तों, अगर आप उस ब्लॉग को देखना चाहते तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। करंट वक्त आपको बता दूं, इस वक्त दिन के 11:30 का टाइम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर और मैं दिखाता हूं आपको पूरा वहां का व्यू। तो ये जो रोड देख रहे हैं ये जा रहा है धमापुर और रद्दी चौकी के लिए रोड जा रहा है सीधे, यहाँ से देख सकते हैं आप। और ये जो रोड देख रहे हैं दोस्तों ये सिविल लाइन कांचघर जा रहा है और ये रेलवे चौराहा है पूरा। सामने की तरफ ऑटो स्टैंड है, ऑटो लगे हुए हैं वहां से आपको, आप अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहां से आपको ऑटो मिल जाएंगे। काफी सारे ऑटो लगे हुए हैं और वो है चलो बस का बस स्टैंड। और ये है दोस्तों रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑटो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। 3 या 4 मिनट का ये रास्ता है और वो है दोस्तों रेलवे स्टेशन, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर इस रास्ते पर आपको खाना चाय पानी नाश्ते की ये दुकानें आप देख सकते हैं। ये दुकानें सुबह से रात 10-11 बजे तक खुली रहती हैं और सामने देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड पर महाप्रबंधक कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना है और सीधे है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6। और राइट साइड में आप देखोगे तो कार पार्किंग, बाइक स्कूटर पार्किंग, एग्जिट गेट और सामने है दोस्तों रेलवे स्टेशन। लेकिन रेलवे स्टेशन चलने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर नगर निगम की चलो बस दिखाने वाला हूँ जो कि यहाँ से चलाई जाती है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको यहाँ से चलो बस कहाँ से मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों ये है जबलपुर की चलो बस, काफ़ी सारी यहाँ पर चलो बस खड़ी हुई हैं आप देख सकते हैं। ये है पूरा स्टैंड और स्टेशन से कुछ ही कदम की दूरी पर आपको इन बसों की सर्विस आपको यहाँ से मिल जाती है। आप इन बसों में ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं चलो ऐप के जरिए और अगर आप मंथली पास बनवाना चाहते हैं इन बसों का तो इन बसों के कार्यालय नगर निगम में जाकर आप मंथली पास भी बनवा सकते हैं। और दोस्तों ये आ रही है AC चलो बस, ये रेलवे स्टेशन से रायपुरा पनागढ़ जा रही है और यहाँ से आपको गौरीघाट, भेड़ा घाट, कांचघर, तिलवारा, ITI, रांझी, खमरिया, दमोना का मदन महल और भी जबलपुर के कई जगहों के लिए आपको ये बसें मिल जाएंगी यहाँ से। और ये देख सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू, स्टेशन के बाहर आपको ऑटो टैक्सी कैब की भी सुविधा यहाँ से आपको मिल जाएगी। काफी बड़े स्पेस में ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है आप देख सकते हैं। और ये है दोस्तों पार्किंग स्टैंड, यहाँ पर आप अपनी बाइक स्कूटर वगैरह पार्क कर सकते हैं और उसका जो चार्ज लिया जाता है यहाँ पर 10 घंटे का 24 रुपए, 12 घंटे का 34 रुपए लिया जाता है। और यहाँ पर ये LED डिस्प्ले स्क्रीन और ये एस्केलेटर और ये देखिए दोस्तों और अब चलते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन के अंदर। और ये पूरा वेटिंग हॉल बना हुआ है, अगर आप कहीं जाते हैं और आपकी ट्रेन लेट है तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। हमने आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर सभी ट्रेनों के नाम और नंबर शो हो रहे हैं। और स्टेशन के अंदर दोस्तों ये एक बैग शॉप है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से आप बैग वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पर है दोस्तों पूछताछ केंद्र और इस तरफ भी आप टिकट ले सकते हैं, 3-4 काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं। अभी तो फिलहाल भीड़ नहीं है लेकिन दोस्तों आज संडे का भी दिन है इसलिए शायद ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। दोस्तों एक चीज़ तो है कि जबलपुर के रेलवे स्टेशन में साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया, आप देख सकते हैं काफी साफ सुथरा ये रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए और सामने लिफ्ट भी लगी हुई है। और ये जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है रानी कमलावती जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन है।
दोस्तों जबलपुर स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 6 प्लेटफॉर्म और स्टेशन कोड हो गया JBP। और दोस्तों यहां से रोजाना करीब 20,000 से ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं। और जबलपुर रेलवे स्टेशन में लगभग 172 ट्रेनें रुकती हैं, जबकि 20 ट्रेनें यहां से खुलती हैं और 21 ट्रेनों का ये लास्ट स्टॉप है। दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन में आपको एस्केलेटर, लिफ्ट, फ्री वाईफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार, ऑटो, बाइक पार्किंग, क्लॉक टावर, वेटिंग रूम, ये सारी सुविधाएं आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन में मिलती हैं। और दोस्तों ये है जबलपुर रेलवे स्टेशन का बायो टॉयलेट सिस्टम, जबलपुर मंडल पश्चिम मध्य रेलवे, आप सामने देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेशन के अंदर कैफे की सुविधा और खाने पीने की सारी डिशेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जबलपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक कुछ टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जहाँ पर जब कभी आप जबलपुर घूमने आते हैं तो आप इन टूरिस्ट प्लेस को भी ज़रूर विजिट करें, जैसे कि रानी दुर्गावती म्यूजियम, पिसनहारी की मड़िया, गौरी घाट, भेड़ा घाट वाटरफॉल, बरगी डैम। इन जगहों पर दोस्तों अगर आप कभी जबलपुर आते हैं तो ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर है ओपन रेस्टोरेंट और एस्केलेटर सीढ़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जबलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। और सामने की तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं सभी ट्रेनों के नंबर और एक्सप्रेस ट्रेनों के टाइम टेबल भी शो हो रहा है। और ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के लिए आप यहां से जा सकते हैं। और अब मैं आ गया हूँ दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और यहाँ का पूरा व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी आपको काफी सारी जनरल की दुकानें और कुछ वेटिंग रूम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जबलपुर रेलवे स्टेशन पूरा विजिट कराया। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।